हेलो दोस्तों, आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग टाइटल टैग के बारे में सीखेंगे कि टाइटल टैग होता क्या है। किस भी पेज का हमें उसके टाइटल से ही पता चलता है कि इस पेज के अंदर क्या है। ठीक है, तो हर एक चीज़ का कोई ना कोई किसी भी पेज का हमें जो टाइटल देना होता है, जिससे कि उसके अंदर की सारी जानकारी हमें अप्रॉक्सीमेटली टाइटल से ही पता चल जाती है। ठीक है, कि वो डॉक्यूमेंट किस तरह का डॉक्यूमेंट है। तो यहाँ पर मैंने एक इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है टाइटल टैग की। द टाइटल टैग इज़ रिक्वायर्ड इन ऑल HTML डॉक्यूमेंट्स। जो HTML डॉक्यूमेंट्स हैं उन सभी के लिए जो टाइटल टैग है वो ज़रूरी होता है। इट डिफाइन द टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट। जो डॉक्यूमेंट के टाइटल को डिफाइन करता है, जो भी हम लोग टाइटल देते हैं वो टाइटल डॉक्यूमेंट, टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को डिफाइन करता है। ठीक है, द कंटेंट ऑफ द टाइटल एलिमेंट आर आइदर शोन इन द टॉप ऑफ द ब्राउजर। जो भी हम लोग उस पेज का टाइटल देंगे वो क्या होगा, ब्राउज़र की टूल बार में शो होगा। ठीक है, अबाउट वेयर द यूजर टाइप ऑफ टाइप इन द URL ऑफ द पेज यू वॉन्ट टू विजिट। यहाँ पर हम किसी भी वेबसाइट पर विजिट करने के लिए उसका URL एंटर करते हैं, वहाँ पर इसका जो टाइटल नेम होगा पेज का, टाइटल टैग के द्वारा वो शो किया जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल दी हुई है, ठीक है, HTML टैग स्टार्ट किया है। जो भी हम लोग टाइटल देंगे दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो HTML से स्टार्ट होगा और लास्ट में जो डॉक्यूमेंट है वो HTML फॉरवर्ड स्लैश से बंद होगा। यहाँ पर पूरे का पूरा पेज बंद होगा, बट जहाँ जो टाइटल की बात है, टाइटल सिर्फ हेड में दिया जाता है दोस्तों। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि हेड का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, सिर्फ आपको यही समझना है कि जो टाइटल टैग है वो हेड टैग के बीचों बीच दिया जाता है। ठीक है, इसको मैं आपको एडिटर में भी दिखा देता हूँ करके। यहाँ पर मैंने इसे कॉपी किया, स्टार्ट ऑल प्रोग्राम एक्सेसरीज नोटपैड। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसे पेस्ट किया, ये देखिए HTML यहाँ पर हेड टैग में इसे शो कर दिया और यहाँ पर HTML मैंने बंद कर दिया। यहाँ पर इसको मैं सेव करूँगा। यहाँ पर इसका मैंने नेम दिया टाइटल। ठीक है, उसके बाद इसको मैंने सेव करना है तो इसका एक्सटेंशन देना होगा HTML, या आप HTML भी दे सकते हो। ठीक है, तो मैंने यह पूरा दे दिया HTML और इसको डेस्कटॉप पर सेव कर दिया और यहाँ पर सेव के ऑप्शन पर क्लिक किया। तो यहाँ पर आपको दिखा भी देता हूँ ब्राउज़र में ओपन करके, ये देखिए इसको मैंने इस नेम से सेव किया तो ये ब्राउज़र की शेप में सेव होगा, क्योंकि मैंने एक्सटेंशन HTML दिया था। ठीक है, इसको ओपन करें। ये देखिए ये ब्राउज़र की टैब है। ठीक है, इसमें काफ़ी सारी टैब्स होती हैं, मल्टीपल टैब्स आप ओपन कर सकते हो। तो जो मैंने पेज खोला उस पेज की ये टाइटल बार है। ये देखिए जो मैंने टाइटल दिया था, टाइटल क्या था मेरा, वेलकम टू माय पेज। तो यहाँ टैब में क्या शो कर रहा है, ये टाइटल वेलकम टू माय पेज। तो इस तरह आप टाइटल दे सकते हो किसी भी पेज का। ठीक है, ये तो मैंने सिंपली एक एग्जांपल दिया है आपको। जो टाइटल है वो हेड के अंदर दिया जाता है, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है आपको। आगे जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो इसका बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे यूज़ करते हैं सभी टैग्स। सो मुझे लगता है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।